नमस्ते, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। आज हमारी एक इंडियन दोस्त ने हमारे लिए छोले बनाए हैं, तो उसके घर पे चल के देखते हैं कि छोले इतने दिन बाद। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरिया में कोविड की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। हमारे सरकार की कुछ गलत नीति और लॉकडाउन लागू ना करने की वजह से हमारे देश में आजकल भी हर रोज़ 400 या 500 के करीब केसेस आ रहे हैं। अच्छा हुआ कि अभी कैफ़े या मॉल वगैरह के सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। कोविड से बचने के लिए हर वक्त कहीं भी जाए मास्क लगाना ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड में बस के नंबर हैं और उसके बगल में जो मिनट दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं कि इन बस को आने में कितना टाइम लगेगा। लो आ गई हमारी बस। तो अभी मेट्रो की तरफ बढ़ते हुए और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा हो कि नहीं, लेकिन मेरा इसमें चार्ज नहीं लगा, इस बार 0-1 आया है। क्योंकि कोरिया में ना, अगर आप बस से उतर के आधे घंटे के अंदर मेट्रो में चढ़ते हो तो मेट्रो का चार्ज नहीं लगता है। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर निकला हूँ। क्या नज़ारा है, वाह! पहले तो ऊपर का ये छत नहीं था। वैसे तो सियोल राजधानी है, हमारे घर से आधा घंटा लगने की वजह से आजकल आना कम कर दिया, और यहाँ तो मैं सालों बाद आ रहा हूँ। इतना ज़्यादा बदल गया यार, मुझे एकदम अंदाज़ा नहीं था। सिग्नल हो गया है, चलते हैं। मास्क के साथ चश्मा पहनने की यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप कुछ भी बोलो या सांस लो या आप कुछ ना करो, लेकिन चश्मे में ना ये धुआं जाता है। गुजरात से इधर रोड पे कीजिएगा। हाँ, रोड पे इधर गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है, एक सेकंड। तो क्या, तो अभी ये सहीबा हमारे लिए आज छोला बनाएगी, है ना? क्या बना रही है? छोला, छोला, छोले, छोले चावल जो दिल्ली के ठेले पे 20 रुपए में मिलता था। तो दोस्तों पहुंच गया इतने चलने के बाद। वह देखिए हमारे छोले कितने शानदार। बॉक्स में से एक के बाद एक इंडिया की खुशबू निकलती आ रही है, वाह! तो इसको तुमने इंडिया से कुरियर करवाया? नहीं, मैं लेकर आई। अच्छा, बिरयानी मसाला, यू नो, तुमको आता है बनाना बिरयानी? सब बना। अच्छा, और लेकिन बिरयानी में चिकन के बिना मजा कहाँ। रुक जा अभी। हाँ, हमारे सामने हाजिर है छोले चावल। चलो अब खाना शुरू करते हैं। थैंक यू बनाने के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा, एक सेकंड। वाह यार, सही है, मजा तो बड़ा आ रहा है। अच्छा है, कम स्पाइसी है लेकिन ठीक है। ओ देगा उबालने का नतीजा। अरे अच्छा हुआ। और बियर के साथ और बढ़िया लग रहा है। छोले चावल तो मैंने दिल्ली में पहली बार खाया था 2016 में, फरवरी में। मुझे जगह भी याद है, लाल किले के सामने 20 रुपए में जो ठेले पे बेचते हैं ना, अपने एक दोस्त के साथ खाया था। हाँ कसम, क्या स्वाद लाया उस बंदे ने, उस स्वाद को मैं अभी तक भूल नहीं सकता। अगर किसी को ना इंडिया का रियल टेस्ट ट्राई करना ना, तो
तो रेस्टोरेंट के बजाय लारी पे जाके खाने का। राड़ी वो क्या होता है? रोड पे नहीं ठेका। ओ अच्छा हाँ, उसको राड़ी बोलते, उसको ठेका बोलते, लारी बोलते। हाँ अच्छा, अब वो तो बहुत खाए दिल्ली में, बंदे बनाए लेकिन बढ़िया स्वाद आ रहे हैं सही में। अच्छा है इंडिया के लोग ना माही सो कभी भी कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। वही तो नहीं, ये चीज मैंने देखी है कि ये लोग बाहर जाके खाना बनाते हैं अपने देश के बाहर। मेरे मतलब हम तुम्हारे देश में एक साल रह के भी खाना नहीं बनाया तो बता, इंडिया में भी डिलीवरी अच्छी होती है ना बड़े शहर में, स्विगी वही तो, उबर ईट्स भी चल रहा है। हम हमेशा जोमैटो पे ऑर्डर करके खाते थे। हाँ बिरयानी बहुत खाई होगी, बिरयानी मछली ये चिकन वो चिकन, पर तेरे को इतने महीने बाद इतने साल बाद मजा आया तेरे को खाने के। हाँ वही तो, अब तक कोरिया में सारा कहीं किसी तरह का इंडियन खाना मिलेगा लेकिन छोले बनाने वाले नहीं मिले। पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं अभी जो बना रहे हैं। अच्छा, इवन मैंने बंगाली खाना भी खाया यहीं पे लेकिन तो उतना मजा नहीं है पता है, क्योंकि क्या है कोरिया में ना जो इंडियन खाना बनाते हैं ना वो एकदम कोरियन स्टाइल से खाना बनाते हैं। वो भी है। पूरा खत्म कर दिया, समझ रहे हो? अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किताब को उल्टा पढ़ने वाली लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। ये हमारा कॉलेज का फोटो है। ये कॉलेज है? हाँ, तुम पुणे नहीं गए हो? मैं पुणे नहीं गई। ओ अच्छा अच्छा, पुणे तो कहाँ दूर है तुम्हारे गुजरात से? दूर नहीं है पर उधर काम नहीं है ना कुछ, तो क्या करेंगे हम जाके। अच्छा मुंबई गई हो? मुंबई तो हम बहुत बार गए। हाँ वो भी। तू सच में है ना वो यूपी का भैया लग रहा है यार। ये सब लोग यूपी के हैं ना। तू अभी इस बार उधर आ, वडोदरा। वडोदरा वहाँ पे भी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आना। अच्छा हाँ, वो तो नया बना है ना इसी साल, पिछले साल। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू। हाँ हम जब थे तब तो नहीं था, अभी रिसेंटली बना है ना, पर इसलिए काफी सारे लोग आ रहे हैं अभी टूरिज्म में। काफी अच्छी जगह है। अच्छा मतलब इतना बड़ा है कि भाई साहब। कहाँ है वो? वडोदरा में है या नर्मदा? पता है तेरे को? नर्मदा, नर्मदा नदी का नाम है ना। हाँ वहाँ के पास में नर्मदा के पास। अच्छा मैं अभी तक गई नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। वो भी है। वाओ, ये छत्तीसगढ़ का फोटो गजब एकदम। लोगों को है ना सच में पढ़ना चाहिए, कोरिया वाले लोग को ना पढ़ेगा तो उनको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या जगह है, सही में कैसे जाते हैं। इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ लेकिन देखते हैं कितना असर होता है इसका। ये मस्त है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा भी अच्छी जगह यार। परादीप उड़ीसा का एक जिला है। अच्छा हाँ, बड़ी गर्मी है यार। एक गुजरात है हमारा और एक इस साइड है, दोनों जगह पे ना गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ वो भी, गुजरात में जो है ना सूखी गर्मी है लेकिन उड़ीसा में जो है ना जयपुर क्या बोलते हैं नरम वाली गर्मी होती है। जयपुर गई हो? अलवर। जयपुर में गई हो? अच्छा अलवर तो वही है जयपुर के जो पहले आता है। एक ही दिन रहा जयपुर के पहले? नहीं आता जयपुर के बाद आता। नहीं पहले आते, मुझे अच्छे से आते। अगर तू दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है तो पहले आएगा। हाँ वही तो, अरे दिल्ली से ही तो गए ना। हाँ तुम्हारे पता नहीं लेकिन अच्छा। अगर गुजरात से जाएंगे ना तो जयपुर के बाद अलवर आता है। अच्छा हम तो दिल्ली से गए थे, दिल्ली के ऊपर से आ रहा है धौला कुआं पता नहीं जो भी वहीं से निकले थे, तो अलवर पहले आता है उसके बाद जयपुर आता है। दिल्ली से आ रहा है तो बात अलग है। वही तो, ये तो हाउस। हाँ तुम गए हो ना दिल्ली? दिल्ली अच्छी जगह है।
बड़ी याद आती मेरे को, क्या है? चिकन करी ढाबा। ढाबा पे तो खाना जो मिलता है भाई साहब, अच्छा मिलता है, एकदम स्पाइसी। कुतुब मीनार। ये देखो, ये कौन सा चीज? हिंदी में। क्या गाजियाबाद में आपका स्वागत हाँ, तो मतलब है? ये जो है ना, पहला बोर्ड था इंडिया में, मैंने हिंदी में पढ़ा है। अच्छा हाँ, सही है। तो दोस्तों, छोले खा के मुझे बड़ा मज़ा आया, और जो 20 मिनट का रास्ता मुझे आने में लगा था, वो वापस उसी रास्ते पर वापस चल के मुझे मेट्रो पे चढ़ना है। ज़्यादा टाइम हुआ तो मेरे गांव में बस भी ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग मेरे चश्मे पे फिर से देख ही रहे हो कैसे धुआं जम रहा है। वाह। तो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम पे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।